गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, आज आप देख सकते हैं मौसम का मिजाज। आज हल्की हल्की धूप है और धूप के साथ ही देख सकते हैं आप बादल भी हैं। देखिए, इस बार ठंड बहुत है गाइस, ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। मई का महीना अभी चल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी अभी आज और एक दो दिन बाद भी काफ़ी बारिश की चेतावनी दी गई है यहाँ पर। सो, आज काम कुछ था नहीं तो मैंने सोचा आपको सैर कराते हैं अपने बगीचे की और दिखाते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है। गाइस, अभी पहुँच चुके हैं बगीचे में और ये आप देख सकते हैं, इसमें पूरा मटर लगाया हुआ था हमने। सो, अभी मटर ख़त्म हो चुकी है इसलिए इसमें अब मूले की तैयारी हो रही है, इसलिए इसको साफ़ किया गया है अच्छे से। ये आप देख सकते हैं, ये खेत हम खुदाई कर चुके हैं तो ये खेत पूरी तैयार है अभी। तो ये आप देख सकते हैं, नाली वगैरह सारी अच्छे से बनी हुई हैं। तो सारा प्रॉपर अच्छी तरह से काम करना पड़ता है क्योंकि अभी जो है बरसात आ जाएगी तो फिर इसमें पानी रुकने का डर रहता है। सो, इसलिए पूरे नाली वगैरह अच्छे से बनानी पड़ती है। और इसी के साथ में लगते हुए आप देख सकते हैं जो है प्याज काफ़ी अच्छी हुई है इस बार, इसका साइज़ भी काफ़ी बढ़िया हुआ है इस बार। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं इस बार प्याज। इस वाले पोर्शन में हमने लहसुन लगाई हुई थी, सो, इसका वेस्ट हमने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। हम लोग खेतों में ही इसे उखाड़ के इसका जो वेस्ट होता है उसे कट करके हम लोग यहीं पर ही रख देते हैं ताकि सड़ के खेतों को इससे खाद मिले और जो लहसुन होता है उसे हम सीधे घर ले जा लेते हैं। और यह है आड़ू का पेड़ और आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें काफ़ी छोटे थे ये दाने, बट अभी जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं आड़ू में भी कलर आना स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये रेड कलर यहीं से ही आना स्टार्ट हो जाता है। सो, ये पूरे दाने में फिर फैलता जाएगा रेड कलर। ये देखिए गाइस, नीचे आलू और ऊपर सेब। सो, ये देख सकते हैं अभी कुछ टाइम से बारिश अच्छी हो चुकी है यहाँ पर तो अभी ग्रोथ अच्छी है। सो, अभी जो है ये सेब के दाने देख सकते हैं आप। एंड गाइस, जहाँ तक बात है प्याज और लहसुन की तो आपको पता ही है कि डेली नीड्स की चीज़ें हैं, हम लोग सब्जियों में यूज़ करते ही हैं इन चीज़ों को। सो, हम लोग इसे बेचते नहीं हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, अभी जो है हम घर के लोग ही लगे पड़े हैं यहाँ पर। अभी जो इस वाले पोर्शन में है ये मिर्ची के पेड़ हम लगा रहे हैं। सो, हमारे यहाँ पर जो काम करने आया करते थे वो आज अभी कुछ दिनों तक नहीं आएंगे क्योंकि उनके रिलेटिव्स जो हैं कोई गुजर चुके हैं। सो, अभी हम ही लगे पड़े हैं यहाँ पर। सो, ये आप देख सकते हैं इस तरह से लगाया जाता है यहाँ पर ये मिर्च के पेड़। और ये है हमारी बड़ी दीदी, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। इस तरह से कुटले से खोद के इसे लगाया जाता है।
तो अभी गाइज 11 बज चुके हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमारी चाय भी आ चुकी है, तो लेते हैं चाय की चुस्कियाँ और देखते हैं अभी बारिश क्या करती है आगे। ये रही अपनी चाय। तो अभी जो है मिर्ची के पेड़ लगा के हमने पानी भी इसमें डाल चुके हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि थोड़े बहुत छींटे मीटे आ रहे थे यहाँ पर, बट अभी पूरा मौसम क्लियर है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देख सकते हैं आप, धूप निकल चुकी है, अभी हल्के हल्के बादल हैं, अभी तो मौसम पूरा साफ है। तो अभी मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ। सो ये देख सकते हैं गाइज हमारे घर की लहसुन जिसके बारे में बात कर रहा था, और ये वाली जो है ये है पहाड़ी लहसुन, और इसी के साथ में लगते हुए ये वाली जो साफ वाली आपको दिख रही है ये है हाइब्रिड की लहसुन। सो इसे करीब करीब एक महीने तक ऐसे ही धूप में सुखाना पड़ता है। ये भी हाइब्रिड है। इसी के साथ लगते हुए ये है आपका मूले का बीज, इसे भी धूप में सुखाना पड़ता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आज सुबह आप लोगों को कहा था कि आज बारिश होने वाली है, तो आप देख सकते हैं बारिश हो रही है गड़गड़ाहट के साथ। सो जो ये आपने लास्ट क्लिप देखी है मेरी गाइस, उसमें हम लोग लहसुन को बाहर से अंदर रख रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बारिश होने वाली थी। सो ये रूटीन करीब करीब एक महीने तक चलता रहेगा, जिसमें कि जब धूप रहेगी तो हमें बाहर शिफ्ट करना पड़ता है उसको, और जब बारिश होगी तो हमें फिर उसे अंदर इसी तरह से रखना पड़ता है। तो ये रूटीन चलता रहेगा अभी जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाती है। और गाइस इसी के साथ ही मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर किया है। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।